कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन महज 55 घंटों के बाद मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी भले ही बहुमत साबित करने का दावा करती रही, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के जबड़े से सत्ता छीन ली। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि कर्नाटक में बीजेपी के सपनों पर पानी फेरने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? आखिर कर्नाटक में बीजेपी की बाजी पलटने वाला कौन है? राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस के कुछ नेता, मसलन पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, केंद्रीय नेता गुलाम नबी आजाद और अशोक गहलोत भले ही सामने से मोर्चा संभाल रहे, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसने पर्दे के पीछे से बीजेपी की बाजी पलटने में बड़ी भूमिका निभाई, और उस शख्स का नाम है स्थानीय नेता डीके शिवकुमार। प्रदेश की सियासत पर करीब से नजर रखने वालों की माने तो चाहे जेडीएस और कांग्रेस को साथ लाना हो या फिर विधायकों को टूटने से बचाए रखना हो, डीके शिवकुमार ने पूरी सक्रियता के साथ काम किया। इसके अलावा कुछ सियासी जानकार कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का श्रेय पार्टी की चुस्ती को देते हैं। इनका कहना है कि पार्टी नेताओं की चुस्ती की वजह से बीजेपी की रणनीति फेल हो गई। बीजेपी जिस तरह कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को तोड़ना चाहती थी वो नाकाम रही। कांग्रेस की ढिलाई या असावधानी की वजह से बीजेपी ने भले ही पिछले कुछ चुनाव में बाजी मार ली हो, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उसी की रणनीति से उसे ढेर कर दिया। रही सही कसर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर दी। आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जहां 104 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस को 78 और जेडीएस को 38 सीटों पर जीत मिली। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी की दुहाई देकर बीजेपी ने तो सरकार बना ली, लेकिन जिस तरह राज्यपाल वजूभाई वाला ने येदियुरप्पा को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया, उससे सूबे में विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका बढ़ गई थी। लेकिन कांग्रेस ने तमाम आशंकाओं के बावजूद अपने विधायकों को एकजुट रखने में सफलता हासिल की और उसने बीजेपी की बाजी को पलट कर रख दिया। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।